दोस्तों, नन अदर देन वन एंड ओनली हमारी इंडस्ट्री की एक बेहद कामयाब एक्ट्रेस सोनिया शर्मा। थैंक यू दुष्यंत जी मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। आपकी बिगनिंग कैसे हुई, वो जर्नलिज्म में आपकी एंट्री कैसे? एक्ट्रेस तो मैं बनना नहीं चाहती थी कभी भी, ये तो बहुत 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 बाद में आया। एक अंकल थे जिनके थ्रू मैंने ये जर्नलिज्म ज्वाइन किया। कभी जी न्यूज स्टार्ट हुआ था तो मैंने वेस्ट यूपी में क्राइम रिपोर्टिंग से अपना करियर स्टार्ट किया। इंडस्ट्री में एज एन एक्ट्रेस फिर कैसे टर्न अप हुई आप, एंड हाउ यू स्टार्ट योर करियर? हम लोग कंटेंट तैयार करते थे अपने शो का, देन उसके बाद बारिश हो रही थी तो वो आ नहीं पाई। शो तो निकालना था क्योंकि शो मस्ट गो ऑन अपनी इंडस्ट्री के अंदर। सो मेरे न्यूज डायरेक्टर जो थे उन्होंने बोला कि सोनिया शो तुम्हारा है, कंटेंट तुम्हें मालूम है, तो व्हाई डोंट यू डू द एंकर। तो टेलीप्रॉम्प्टर सामने था तो मैंने फिर स्टार्ट कर दिया और शो वाज सोनिया शर्मा का एज एन एक्ट्रेस सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही ड्रीम देखा था जो फैमिली के थ्रू अगर कंप्लीट हो जाता तो मैं आई डोंट नो कि मैं कहाँ क्या सोचती आज मैं देश के लिए कुछ कर रही होती। सो वो सपना पूरा नहीं हुआ, तब से सपने देखने तो बंद कर दिए। सपने आप देखिए, देख सकते हैं, लेकिन उसे पूरा करना या ना करना वो उसके हाथ में है। मैं ये सोचती हूँ अब सपने नहीं देखती हूँ, ना ही कोई बड़ा सपना है, दैट्स ऑल। एक जर्नलिस्ट से मेरा सवाल, आपका सबसे फेवरेट जर्नलिस्ट कौन है और क्यों? मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती, बट रोहित जो थे, रोहित सरदाना, जिनका देहांत हो गया बिकॉज ऑफ कोविड। जी न्यूज में जब मैं थी तब वो बिहाइंड द सीन रहा करते थे। शीतल राजपूत, मीमांसा मलिक, इन लोगों को मैंने देखा है, ये अनगिनत नाम है। आपके फेवरेट एक्टर कौन है, मेल? देवदत्त साहब, शम्मी कपूर जी, प्राण साहब, ओम पुरी जी और अमरीश पुरी जी। मुझे उनकी एक्टिंग मतलब बहुत अच्छी लगती थी। जब वो पॉजिटिव कैरेक्टर करते थे तो बहुत ही प्यारा करते थे, और जब नेगेटिव करते थे तो लगता था कि हाँ भाई वो विलन ही है। Tell me something one good thing about Mumbai. आपके टैलेंट को सलाम करते हैं यहाँ पे लोग, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको जज किया जाएगा कि नहीं नहीं आप वहाँ से आए हो तो आपको काम नहीं मिलेगा। नहीं, यहाँ पे टैलेंट को सलाम है और आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग आपको काम मिलता है।